Hey everyone, this is Nidhi Dhruv. I'm back again with a short video for you guys wherein I'll be covering all the important current affairs today in just 2 minutes. Today, 15th of July, and sare ki sare important current affairs which you need to note down, which you need to know, are here. First important news is Supreme Court is going to examine a plea challenging sedition today. So, sedition ka jo section hai, bahut controversial raha hai ye pure saal. Supreme Court is finally going to examine this section ki ye section kitne had tak rehna chahiye wagaira. Let's see uska kya decision aata hai. That is going to be more important for us to note down. Second important news is, which you need to really note down properly, is food processing policy is approved. The cabinet on Wednesday, मतलब कल के दिन में cabinet ने approve किया है food processing policy of the state government with the aim to promote export oriented food processing units. ठीक है, तो export oriented जो food processing units है उनको promote करने के लिए ये step लिया है. food processing policy cabinet ने approve किया है. it's वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे न्यूज पेपर एनालिसिस सेशन मॉर्निंग के देख के आप नोट डाउन कर सकते हो, और मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है मेरे मार्किंग वाला न्यूज पेपर, उससे भी आप नोट्स बना सकते हो. थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू गाइज इज आज एक बड़ा ट्विस्ट आया है नाम्बी नारायण के केस में, जो इसरो स्पाई केस चल रहा था, इसमें एक बहुत बड़ा टर्न आया है विच इज नाम्बी नारायण इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड विद द प्रोब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इन अ लैंड डील. कि उन्होंने जो भी उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनके साथ कोई लैंड डील की है, ऐसा उन पे एक्यूजेशंस है, जो एक बहुत क्यूरियस टर्न लिया है जिसने इस ये केस में. फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तेलंगाना. Andhra Pradesh government says that legitimate water of Krishna River, जो आंध्र प्रदेश government के लोगों को मिलना चाहिए for irrigation and for like water पीने के लिए, for drinking and irrigation, ये उनको नहीं मिल रहा है because तेलंगाना illegal way में use कर रहा है. तो आंध्र प्रदेश government moves Supreme Court against तेलंगाना. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट न्यूज विच इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज, लाइक लिखना है आपको, एक डे है. सो इंडिया ने का एक नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे था, उसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल गया. आज के दिन 15th ऑफ जुलाई को ये डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसको मिल गया है यू नो ग्लोबल एक्सेप्टेंस, दैट्स इम्पॉर्टेंट. देन आज के दिन में काफी एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था जो आपको पढ़ना है गाइज. मैंने डिटेल में मेरी मॉर्निंग की न्यूज पेपर एनालिसिस क्लास में इसको पढ़ाया है. शोइंग द वे आउट, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को निकाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बारे में था, जरूर पढ़िएगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज परमानेंट कमीशन, जो आर्मी का परमानेंट कमीशन में पहली बार 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 424 विमेन को इंक्लूड किया गया था, विमेन आर्मी ऑफिसर्स को. इसको और आगे बढ़ाते हुए न्यू मोर 147 विमेन ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया है परमानेंट कमीशन में. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड वेरी वंडरफुल न्यूज आउट देयर. ठीक है, सो नेक्स्ट और ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारी आज तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, विच इज मोदी मालदीवियन प्रेसिडेंट होल टॉक्स. मोदी जी एंड इब्राहिम मोहम्मद सोली जो मालदीव के प्रेसिडेंट है ये दोनों की बीच में टॉक्स हुई है. एक थोड़े टेंशन राइज होने स्टार्ट हुए थे ये दो कंट्रीज के बीच में, इसके बाद ये टॉक्स चालू हो चुकी है. इसके बाद और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, तालिबानीज ने हल्ला मचा दिया है, तो बहुत रोज हम इनकी न्यूज देखते हैं. नाउ तालिबानीज हैव सीज्ड बॉर्डर क्रॉसिंग द पाक, पाकिस्तान को क्रॉस करने वाला जो बॉर्डर है तालिबान का उसको सीज कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड काफी जानने वाला न्यूज है, अच्छे से ध्यान में रखने वाला. सो दीज ऑल वर सम इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे, और मैंने एडिटोरियल भी बताया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर वाला, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, सो ये शॉर्ट में जो न्यूज है, आई होप इट्स बिकमिंग हेल्पफुल टू यू गाइज. एंड गाइज मेरा आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करना है जिससे आप और बेटर न्यूज वगैरह करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो, और इसके लिए आप ज्वाइन करने के लिए निधि लाइव कोड यूज कीजिए, प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के लिए भी निधि लाइव कोड यूज कर सकते हो. थैंक यू सो मच, बाय बाय.